तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके ने लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम के साथ साथ घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने बुधवार को घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में पुडुचेरी को राज्य का दर्जा दिलाने, राज्यपाल की ताकत घटाने और नीट परीक्षा पर प्रतिबंध लगाने जैसे कई वादे किए गए हैं। आइए जानते हैं डीएमके के घोषणा पत्र की कुछ मुख्य बातें। जानकारी के अनुसार अपने घोषणा पत्र में डीएमके सुप्रीमो एमके स्टालिन ने दोहराया है कि सीएए और समान नागरिक संहिता यानी यूजीसी लागू नहीं किया जाएगा। रसोई गैस की कीमत ₹500, पेट्रोल ₹75 और डीजल ₹65 में बेचा जाएगा। तमिलनाडु राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नीट लागू नहीं करेगा। जब तक राज्यपाल का पद समाप्त नहीं हो जाता तब तक राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए। तिरुकुरल को बनाया जाएगा राष्ट्रीय पुस्तक। संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तुरंत लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए परीक्षा तमिल में आयोजित की जाएगी। रेलवे विभाग के लिए एक अलग वित्तीय विवरण दाखिल किया जाएगा। डीएमके ने भारत लौटे श्रीलंकाई तमिलों को भारतीय नागरिकता देने का वादा किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों में टोल गेट हटा दिए जाएंगे। सीएम एमके स्टालिन ने राज्य में दोबारा सत्ता में आने पर महिलाओं को ₹1000 मासिक धनराशि देने का भी वादा किया है। पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि जब बीजेपी 2014 में सत्ता में आई थी तो उन्होंने भारत को नष्ट कर दिया। कोई भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया गया। हमने इंडिया गठबंधन बनाया है और 2024 में अपनी सरकार बनाएंगे।